मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक की मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने उद्यमियों की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर आयुक्त ने गीडा के नालियों की सफाई, उच्चीकरण व कूड़ा संबंधित मामलों के निस्तारण के संबंध में CEO गीडा को निर्देशित किया कि सेक्टर 15 की टूटी हुई नालियों एवं सेक्टर 13 नालियों की सतह को शीघ्र ठीक कराएं। गीडा के सेक्टर 15 में क्षतिग्रस्त सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र गीडा में CETP की स्थापना के संबंध में कमिश्नर ने क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी को निर्देश दिए कि गीडा में स्थित अति जल प्रदूषणकारी उद्योगों में स्थापित उत्प्रभा शुद्धिकरण संयंत्र की जांच कर आख्या प्रेषित करें तथा CEO गीडा निर्धारित समय सीमा के अंदर गीडा में CETP की स्थापना कराएं। एक जनपद एक उत्पाद की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने लीड बैंक ऑफिसर को निर्देशित किया कि यह योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना में मार्जी गमनी हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, अतः अधिक से अधिक लाभार्थियों को ऋण दिलाया जाए। बैठक में CEO गीडा, अपर आयुक्त, संयुक्त निदेशक उद्योग मंडल के सभी उपायुक्त, उद्यमी बंधु एवं विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दो महीने तक सर्वे नहीं कर पाए जिला हमारा ही होगा तेरह हफ्ते के अंदर हो जाएगा। 15 दिन का होता है क्या? नहीं, इसमें एक जब पानी भरा हुआ था तो पानी ये कम होता रहता है। सर इसमें एक रिक्वेस्ट था कि नाली से पहले रोड को लेना है। नाली क्योंकि अभी बरसात नहीं है तो नाली के बिना तो काम चल जाएगा। अभी वैसे उसकी प्रायोरिटी जो है सर रोड की पहले रखिएगा। रोड तो कल पर तो शुरू कर रहा है। नहीं तो ठीक है सर, इसमें तो अच्छी बात है।